वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना, वो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना, वाई ऑफ वन इक्वल टू अपने के पास जीरो के बराबर दे रखा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अपने के पास किसका दे रखा है, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ये अपने के पास 3y² के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो 3x² और प्लस टाइम्स ये दे रखा है अपने के पास y², कोई दिक्कत नहीं। ये अपने के पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि ये हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको नहीं पता चल रहा है वो जा करके अपनी भैंस चराए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने के पास अगर इतना भी पता नहीं है तो अपने के पास फिर दिक्कत वाली बात है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, वाई इक्वल टू वी एक्स मानना पड़ता है, वाई इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए, तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। पहले ये चेक कर लीजिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। जब है तो अपने के पास वाई इक्वल टू अपने के पास डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर, बताइए यहाँ से अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स, बताइए एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 3v² x² v² x² के बराबर, होल अपॉन में अपने के पास बताइए तो ये आ गया अपने के पास 3x² के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास v² x² के बराबर, ये अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने के पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, x² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया अपने के पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर, और इक्वल टू अपने के पास किसके आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स बताइए, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स अपने के सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 1 प्लस 3v² और अपॉन में किसके आ जाएंगे, तो 3 प्लस v² के बराबर, 3 प्लस v² के बराबर, ठीक है। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स अपने के पास किसके आ जाएंगे, तो देख लीजिए अपने के पास माइनस टाइम्स 3v² के बराबर, माइनस इधर जाएंगे तो माइनस टाइम्स 3v बच जाएंगे, और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो वी क्यू के बराबर, होल अपॉन में कुछ नहीं किया इधर भेज करके हम एलसीएम ले लिए, इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा। अगर आप गौर से देखते हो तो माइनस पूरा में माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ अभी बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ये अपने के पास किसके बराबर लिखा, तो वी प्लस वन इन पूरे का होल क्यू लिखा हुआ, इसका होल क्यू लिखा वी प्लस वन और अपॉन में क्या लिखा हुआ वी स्क्वायर माइनस प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये अपने के पास। अब अपने के पास जनरली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जनरली किस में, जनरली वेरिएबल सेपरेबल में बन जाता है, तो ये अपने के पास वेरिएबल सेपरेबल ऐसे भी दिख रहा है, तो बताइए यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू अपने के पास बताइए इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो ये आ गया माइनस टाइम्स वी प्लस वन पूरे का होल क्यू और अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 3 के बराबर। इसको अपने के पास क्या कीजिए, सेपरेट कीजिए, एक्स वाले को एक्स की तरफ लाइए, वी वाले को वी की तरफ, ये आ गया अपने के पास वी स्क्वायर प्लस 3 और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो वी प्लस 1 इन पूरे का होल क्यू के बराबर, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर डी वी के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने के पास डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर लेकिन माइनस 10। इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट करें इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं आई मान लेते हैं, क्योंकि इधर वाला इंटीग्रेशन थोड़ा सा खतरनाक हमें लग रहा है, इसमें अपने के पास पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी, यानी तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाने आ रहा है, तो इसको अपने के पास अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनेगा, क्योंकि देखिए नॉमिनेटर का अपने के पास डिग्री कम है डिनोमिनेटर का ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लिए, इसको आई के बराबर मान लिए, जैसे आई के बराबर तो आई इक्वल टू किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन वी स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 और अपॉन में किस आ जाएंगे वी प्लस 1 इन पूरे का होल क्यू के बराबर, और वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, बताइए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं वी स्क्वायर प्लस टाइम्स यानी तो माइनस टाइम्स अपने के पास 1 और प्लस टाइम्स 4 लिख देते हैं, ठीक है। नॉमिनेटर को क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें वी प्लस 1 को कैंसिल आउट करना है, तो वी प्लस 1 इन पूरे का होल क्यू और यह अपने के पास बराबर डी वी के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो यह अपने के पास वी प्लस 1 और इन टू में अपने के पास क्या आ जाएंगे वी माइनस 1 के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने के पास वी प्लस 1 इन पूरे का होल क्यू के बराबर और प्लस टाइम्स अपने के पास 4 अपॉन में वी प्लस 1 इन पूरे का होल क्यू के बराबर, ठीक है। और इसको अपने के पास इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी तो अपने के पास इंटीग्रेट कर ही देते हैं ना एक तरफ, ये तो अपने के पास गया, ये तो अपने के पास इधर हो जाएंगे, तो भी अपने के पास इधर वो कर लीजिए, इसको अपने के पास वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यह गया डी वी और यहाँ से भी अपने के पास डी वी, इधर भी इंटीग्रेट कर लेते इधर भी वी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट, ठीक है। यहाँ से अपने के पास तो ये वी प्लस 1 और ये स्क्वायर ये अपने के पास क्या बन जाएंगे, ये कैंसिल आउट होकर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे इंटीग्रेशन वी माइनस 1 और अपॉन में किसका आ जाएंगे, तो वी प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और ये आ गया डी वी के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स बताइए, तो माइनस टाइम्स आ जाएंगे 4 अपॉन
इसको इंटीग्रेट कर लीजिए 4/2 और 1/v आ गया अपने पास वी प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत। इसको इंटीग्रेट कर लिए, जैसे इसको इंटीग्रेट कर लिए यहाँ पर अपने बताइए यहाँ पर अपने सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने किस तरह, इसको क्या कीजिए वी प्लस 1 और अपॉन में किस तरह देंगे वी प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2/v बी प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट डी वी और यह आ गया माइनस टाइम्स अपने किस तरह जाएंगे 2 और अपॉन में ये आ जाएंगे 2 × 1/v बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में बी प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर ये हो जाएंगे। देख लीजिए इसको अपने पास डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फिर कैंसिल आउट हो गया, क्या कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से अपने पास वी प्लस 1 ये गया, यहाँ से अपने पास आएंगे एल एन मॉड वी प्लस 1 के बराबर और माइनस टाइम से आप अपने पास इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करना है वी के रिस्पेक्ट में, वी आ गया प्लस टाइम्स 2 और अपॉन में किस तरह आएंगे वी प्लस 1 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में किस तरह आएंगे वी प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर ये हो जाएंगे। ये अपने पास इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया, ये पूरा जो वैल्यू हुआ है वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे आई का बराबर, ठीक है। आई इक्वल टू अपने पास इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो यहाँ से आई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बताइए, तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं दूसरे पेज में, यहाँ से आई इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास आई का वैल्यू चिपकाइए, आई का वैल्यू अपने पास किस बराबर है तो एल एन वी प्लस 1 के बराबर, एल एन मॉड वी प्लस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2/v प्लस 1 के बराबर और माइनस टाइम्स से अपने पास किस बराबर तो 2/v प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स 2/v प्लस 1 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर दे रखा, इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1/ एक्स के बराबर, 1/ एक्स नहीं बल्कि अपने पास एल एन एक्स के बराबर, एल एन मॉड एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से अपने पास वी की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, वी की जगह अपने पास सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए वी की जगह वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि अपने पास वैल्यू पुट तो करना ही पड़ेगा, एंड वी का वैल्यू अपने पास वाई अपॉन एक्स होता है, ठीक है, और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स अपने पास ये आ जाएंगे 2/ में वाई अपॉन एक्स, यानी तो अपने पास हम सॉल्व ही कर लेते हैं, यहाँ वाई अपॉन एक्स डालेंगे तो यहाँ क्या यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स के बराबर प्लस टाइम्स वाई अपॉन एक्स बताइए तो 2/ एक्स के बराबर और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स प्लस वाई के बराबर, माइनस टाइम से आ गया अपने पास 2x स्क्वायर के बराबर और अपॉन में आ गया अपने पास एक्स प्लस वाई इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स एल एन मॉड एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास एल एन मॉड वाई प्लस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी लगा लीजिए एल एन मॉड एक्स के बराबर प्लस टाइम्स इसको अपने पास एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स प्लस वाई इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ गया अपने पास 2x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2xy के बराबर। देख लीजिए अपने पास इधर है तो आपने ये सॉल्व कीजिए, इतना तो एलसीएम लेने आता होगा यार, एक्स स्क्वायर जिसको नहीं आता जा करके अपनी भैंस चराइए आप, ठीक है, आपसे जेई मेंस नहीं, ये अपने पास इसके बराबर जाएंगे, ये और ये तो अपने पास गया, ये और ये अगेन गया, यहाँ से अपने पास करा जाएंगे एल एन मॉड वाई प्लस एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे सॉरी प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2xy और होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स प्लस वाई इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू सी के बराबर, ये हो जाएंगे इक्वल टू सी के बराबर, स्क्वायर इक्वल टू सी के बराबर, ये अपने पास क्या आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, ठीक है। लेकिन सी के लिए अपने पास कुछ कंडीशन दे रखा है, सी कैसे निकालें, सी को निकालने के लिए कुछ कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन है सी को निकालने के लिए, तो अगर एक्स इक्वल टू 1 डाल दे तो वाई 0 हो, बताइए एक्स इक्वल टू 1 डालिए, एक्स इक्वल टू अपने पास क्या डालिए 1 डालिए तो वाई इक्वल टू अपने पास 0 आ जाएंगे, बताइए एक्स इक्वल टू 1 और डालेंगे तो वाई इक्वल टू 0 हो जाएंगे, किस कंडीशन पे, तो 1 डालेंगे तो ये 0 और जैसे ही अपने पास 0 डालेंगे ये पूरा 0, सी अपने पास 0 आ गया, सी अपने पास किस तरह 0 के बराबर, इतना तो कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए कि सी अपने पास आ गया 0 के बराबर, जैसे सी 0 के बराबर आ गया सी का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए वही अपने पास आंसर हो जाएंगे, यहाँ अपने पास जो आंसर हो जाएंगे बताइए, तो ये तो सी गया, सी की जगह अपने पास क्या आएगा, सी की जगह अपने पास 0, ये अपने पास आंसर हो जाएंगे, बताइए ये कौन से ऑप्शन है, तो एल एन वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई बात बराबर है और प्लस टाइम्स पहला और चौथा तो होगा नहीं, प्लस टाइम्स एक्स वाई, ऑप्शन नंबर अपने पास कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर कैलकाटा और बॉम्बे एक ही जैसा है लेकिन बस टू टू का डिफरेंस है, तो इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। तो ये थे अपने के जेई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे, तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय।